महाराजा हरिश्चंद महाविद्यालय में एक रोजा सेमिनार विषय उर्दू जबान व अदब के फरोग में गजल गो शोरा का हिस्सा का आयोजन किया गया और साथ ही उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर असमा अजीज द्वारा संपादक पुस्तक डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी शख्स और शायर का विमोचन भी सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया। सेमिनार का उद्घाटन कॉलेज के पूर्व प्रबंधक विश अवतार जैमिनी, प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी, प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता, मुख्य अतिथि मंसूर उस्मानी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शरीफ अहमद, डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी व सेमिनार के संयोजिका डॉक्टर असमा अजीज ने शमा रोशन करके किया। साथ ही एमए उर्दू की छात्रा नातिया कलाम से सेमिनार का बाकायदा आगाज हुआ। विषय प्रस्तुति डॉक्टर असमा अजीज ने पेश की। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी ने कहा कि आज का ये सेमिनार वक्त की अहम जरूरत है। जदीद अदब में ऐसे तामीरी काम होते रहने चाहिए और वहीं डॉक्टर असमा अजीज को उनकी किताब के लिए मुबारकबाद पेश की। मुख्य अतिथि आलमी शोहरत याफ्ता शायर मंसूर उस्मानी ने कहा कि डॉक्टर साहब की शायरी अपने अहद की भरपूर अक्कासी करती है और साथ ही सेमिनार के लिए सभी अराकीन को मुबारकबाद पेश की। अति विशेष अतिथि डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी ने कहा कि इतने कम वसाइल व अरसे में इतना खूबसूरत प्रोग्राम हकीकत में कालिरे 27 अमल है। सच तो यह है कि पूरे इरादे अंतक मेहनत व लगन का ही नतीजा है। प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता ने उर्दू गजल को समाज के लिए एक सेतु बताया और कहा कि एक लंबे अरसे के बीच गजल ने समाज को न सिर्फ बांधने और जोड़ने का काम किया है बल्कि आम जान के लिए भाईचारा और मोहब्बत की राहें भी हमवार की हैं। और साथ सभी अतिथियों का स्वागत भी किया और सेमिनार के लिए मुबारकबाद पेश। सम्मानित अतिथियों मंसूर उस्मानी, शरीफ अहमद कुरैशी, प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता, पूर्व प्रबंधक विश्व अवतार जैमिनी, प्रबंधक काव्य सौरभ प्रस्तोगी द्वारा असमा अजीज की पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नासिर परवेज ने अपने मुनफरीद लहजे में किया। इन अतिथियों का धन्यवाद उर्दू विभाग की डॉक्टर शिबा परवीन ने किया। ये वफा के तस्करे बजने वफा में कम नहीं होंगे, जरा वैसे जरा आया जो मध्यम नहीं होंगे। अभी आप साबित कर चुके हैं कि स्कूल के बच्चे आप भी आपको फोन करके आपसे पूछते हैं सवाल, आप पूछते हैं। गजल का मामला यह है, शरीफ अहमद कुरैशी साहब घाटमपुर के रहने वाले, इसलिए कुरैशी फरमाते हैं कि आलम यही रहेगा तो तुम डूब जाओगे कागज की नाव पानी के तब तक चलो। तो ये अपना देखना कभी उसमें संभालना, आईना देखना कभी उसमें संभालना, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। ये गजल की अपूर्व जनरेशन है, लेकिन गजल वक्त के साथ साथ सफर करती है, आंखों की एक लकीर बनकर जहां ये लकीर चमकती है वही गजल का बड़ा शायर या गजल का बड़ा लहजा मौजूद होगा। ये गजल जो कहती थी कि यह है किसी का नाम न लेकर पुकारना, हमारे दौर में आई तो शायद कहना पड़ा कि मसाला कुछ भी नहीं है मेरा तक मदर, और भी कोई उसे पुष्पार बना देता है, एक एक गीत गिराता हूं मैं दिन को लेकिन रात में दिल को नहीं मारता। हमारा प्यार रहता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई तापमान थोड़ी। हमारे नाजी में जलसा बहुत खूबसूरत दौर है, जैसे शायद मैं शेर बक्ते हटते ही हो बेटे हटते ही तुम गए आते, लेकिन उसका मफहूम यह है कि उन्होंने अपने महबूब से कहा कि अबके जब मुलाकात होगी तो हम दोनों खड़े हम काट देते। मैं तो अगर कहूँ कि खुदा मेरे दोनों को इतना वक्त मिल जाए कि वो खड़े होकर वापस ना। अभी इन दोनों साहब की बहुत सी बातें हुई, मीना जी एक शायर ने कहा, अभी शेर था तितली फूल में बैठती गिनती वो वाली है, अपनी बार वो बन गया तो नहीं आए और बैठे। तो हमारे यहाँ ये कहा गया है शास्त्रों में कि मित्र का 7 कदम की होती है, अगर
हम सात कदम साथ चल जाए तो मृत्यु कहां हो जाएगी, और अगर हम सात महीने साथ काम कर ले तो फिर वो मित्र नहीं परिवार का व्यक्ति होता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।